भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। क्या बोल रहे हैं आज? इंग्लिश हिंदी? Three devotees are telling Hindi. Hindi? Hare Krishna. तो श्रीमद् भागवतम में क्रिएशन सृष्टि ये पूरा दुनिया कैसे बनाया उसका वर्णन है। तो उसमें बताते हैं कि बद जो बद आत्मा होती है, बद जीवात्मा, बद मतलब कंडीशन्ड सोल, जिसके ऊपर बंधन है उसको बद आत्मा कहते हैं। जिसके ऊपर बंधन है, कौन सा बंधन? तीन गुणों का बंधन, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। गुडनेस मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। ये तीन गुण प्रकृति के गुण है, मटेरियल नेचर प्रकृति। और हम जो आत्मा है वो स्पिरिचुअल नेचर दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल, तीनों गुणों के ऊपर है। तो तीन गुण के अधीन में बद आत्मा अशुद्ध हो जाती है और इस दुनिया में अपना इच्छा पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, उसको कर्म कहते हैं। तो इच्छा पूरा करने के लिए वो मेहनत जो करते हैं उसे जो फल या धन प्राप्त होता है उसे बहुत सारे इंद्रियों के लिए वस्तु खरीदते हैं, मार्केट में जाते हैं, ये सामान वो सामान, बच्चे खिलौने खरीदते हैं, बॉल खरीदते हैं, और बड़े लोग मोबाइल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं। तो ये सब इंद्रिय विषय वस्तु है। तो जीवात्मा को बद आत्मा को भौतिक इच्छा होती है भोग करने की, सुख पाने की, और भोग की इच्छा में वो कल्पना करते हैं कि अगर ये वस्तु प्राप्त होगी तो मैं खुश हो जाऊं। होता है ऐसा कि ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा बड़ा लिस्ट है हमारे पास जो बचपन से पूरा कर रहे हैं हम, लेकिन ना लिस्ट खत्म हुआ ना खुशी प्राप्त हुई। हम दुकान में जाते हैं
एक लिस्ट बना के कि ये 5 वस्तु खरीदेंगे तो जीवन खुश हो जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो दुकानदार है, ओनर है, उसके पास 1,00,000 वस्तु है, वो खुश नहीं है। उसी के दुख स्टॉक से हम 5 लेके आएंगे तो खुश होंगे। अगर उसमें खुशी होती थी तो वो तो 1,00,000 था ना उसके पास, 1,00,000 सामान है उसके पास। वो दुखी है कब स्टॉक खत्म हो, और हम बोलते हैं कब स्टॉक मेरे घर पे आए। तो जो खुशी या सुख हमें चाहिए वो वस्तु में प्राप्त नहीं होता है। वो वस्तु जो हमारे पास आती है वो दुख का कारण बनती है। एक तो उस वस्तु को हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ता है जो दुखदाई है, फिर उसको खरीद के मेंटेन करो, और फिर वो जब बिगड़ जाती है, विनाश होता है, तो हमारा आसक्ति उस वस्तु के प्रति जो होता है वो भी दुखदाई है। बीच में थोड़ा काल्पनिक सुख रहता है, जैसे कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं और उनका पूरा उद्देश्य होता है कि इस बॉल को लात मारकर एक जगह पर पहुंचाया जाए, नेट कहते हैं उसको। और जब लात मारकर वो उस जगह पर पहुंच जाता है तो खुशी महसूस होती है, आनंद आता है। और अगर उसे 1 सेंटीमीटर बाहर चला गया तो दुख महसूस होता है। फर्क क्या है? कुछ नहीं। दुनिया में किसका भला हुआ जब आप लात मारकर बॉल को कोई जगह पे पहुंचाए तो? किसका भला हुआ दुनिया में? किसी का भला नहीं हुआ, आपका भी भला नहीं हुआ उसे। लेकिन मन में कल्पना बना देते हैं कि लात मारकर यहां पहुंचाएंगे तो सुख मिलेगा, 1 सेंटीमीटर दूर जाएगा, बाहर जाएगा तो सुख नहीं प्राप्त होगा। ये कल्पना है, काल्पनिक सुख है। अरे थोड़ा नेट बड़ा कर दो ना, थोड़ा नेट बड़ा कर दो, ज्यादा सुख मिलेगा, ज्यादा जाएगा। या इतना झगड़ा कर रहे हैं, 20-25 बॉल खरीद के सबको 1-1 दे दो, सब खुश रहो, लात मारते रहो नेट में। तो ये काल्पनिक सुख है। इस काल्पनिक सुख के पीछे हम बचपन से दौड़ रहे हैं, बचपन से नहीं, करोड़ों जन्मों से इस काल्पनिक सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। हम होंगे कामयाब एक दिन, जाते हैं ऐसा स्कूल में, हुए जिसने लिखा वही कामयाब नहीं हुआ, पता नहीं किधर रहेगा कीड़ा मकोड़ा। हम गा रहे हैं कि हम होंगे कामयाब, भौतिक दुनिया में कोई कामयाबी नहीं है, कोई सफलता नहीं है। अगर धन कमाया, बंगला खरीदा, नाम कमाया, बीवी बच्चे हो गए और उसके बाद मर के कुत्ता बिल्ली बन गए, उसको कामयाबी बोलोगे? नहीं बोलोगे। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति सोचना चाहिए कि पूरा जीवन चला गया ये सब कमाने में और मृत्यु के बाद कुत्ता बिल्ली कीड़ा बन गया, इसको तो कामयाबी नहीं बोलेंगे ना। कामयाबी मतलब दूर का सोचना चाहिए, अगले जन्म का भी सोचना चाहिए कि जन्म मृत्यु का चक्कर से बाहर निकलना है, उसको कामयाबी कहते हैं। जो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकले उसको कामयाबी कहते हैं, सफलता कहते हैं। अगर आप फंस गए हो तो जहां पर फंस गए हो उधर से बाहर निकले उसको सक्सेस कहते हैं। जहां पर फंस गए हो उधर सब अच्छा जीवन जिए उसको सक्सेस नहीं कहते हैं।
अगर कोई व्यक्ति जेल में है, प्रिजन में है, और वो पत्र लिखता है पुलिस को या मिनिस्टर को कि मैं आपके जेल में हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि खिड़की के पर्दे बदलो, बहुत जूने हो गए और ये टाइल भी टूट गया, नया लगाओ और दाल में पानी कम डालो। अरे अगर पत्र लिखना है तो क्या लिखना है कि मुझे जेल से बाहर निकालो, न कि जेल को 5-स्टार जेल बनाओ। कुछ मतलब है? जेल को 5-स्टार जेल बनाने के बाद भी आखिर तो आप जेल में ही हो, फंसे हुए हो, कुछ मतलब नहीं है। तो इस जीवन में हमें बाहर निकलने का तैयारी करना है, न कि इस जीवन को 5-स्टार जीवन बनाने का कोशिश करना है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ जाता है, वो अपने जीवन को कभी भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता है कि भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए भगवान की भक्ति भूल जाए, इंद्रिय विषय वस्तु सामान जमा करने के लिए भगवान का जप छूट जाए, धन कमाने के लिए मंगल आरती छूट जाए, या सुख, इंद्रियों का सुख हासिल करने के लिए भक्तों का संग छूट जाए, ऐसा कभी नहीं कोई बुद्धिमान व्यक्ति करता है। बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि अपना जीवन एकदम सादा जीना चाहिए, कम से कम वस्तुएं इकट्ठा करना चाहिए, ओनली जितना जरूरी है उतना, और बाकी समय और एनर्जी, शक्ति और धन जो भी हमारे पास है वो भगवान कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। अपना समय भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए, सुबह मंगल आरती करना चाहिए, नरसिंह आरती करना चाहिए, तुलसी आरती में भाग लेना चाहिए, और 16 माला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उच्चारण करना चाहिए, गुरु पूजा प्रभुपाद जी का पूजा करना चाहिए, भागवत क्लास सुनना चाहिए, 4 नियम पालन करना चाहिए, भागवत गीता भागवतम पढ़ना चाहिए, भक्तों के संग में भक्ति करना चाहिए। ये बुद्धिमान व्यक्ति करना चाहिए, ये वैष्णव शिष्टाचार है। श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को एक प्रश्न पूछते हैं। वो पूछते हैं कि हमने देखा है कि जो कृष्ण के भक्त होते हैं और जो शिव जी को भगवान मानकर उनकी भक्ति करते हैं, उनके ऐश्वर्य में फर्क होता है, ऐसा क्यों? कि शिव जी तो पेड़ के नीचे रहते हैं, घर भी नहीं बांधा उन्होंने, अपने बीवी को बैंगल्स भी खरीद के नहीं दिया उन्होंने पार्वती माता को, और शमशान घाट में रहते हैं, वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, फूल का माला भी नहीं, खोपड़ी का माला पहनते हैं, और कभी शेविंग नहीं करते, बार्बर के पास नहीं जाते, ऐसे ही बाल बांध देते हैं, और गले में कंठी माला के बदले सांप डाल देते हैं, और नहाते नहीं है, पूरा बबूत लगा देते हैं शमशान घाट का, ऐसे रहते हैं शिव जी, देखिए ऐसा यूनिफॉर्म है उनका। लेकिन उनके भक्त बड़े राजा जैसे रावण, बाणासुर, और बहुत धन, बहुत ऐश्वर्य, बहुत ऑपुलेंस। तो शिव जी चूज करते हैं गरीबी, और उनके भक्त एकदम ऐश्वर्य में रहते हैं, और नारायण लक्ष्मी के पति एकदम धन वैभव ऐश्वर्य में रहते हैं, उनके भक्त एकदम सादे रहते हैं,
ये ऐसा क्यों? देखिए शिव जी ऐसा रहते हैं, उसका कारण है क्योंकि वो भूतों का प्रचार करते हैं। आपको पता है कुछ साल पहले हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में घटना हो गई, मैं बताऊं? रिकॉर्ड हो रहा है क्या? तो पहले मोबाइल नहीं होते थे हमारे आश्रम में, पीए सिस्टम होता था, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एक फोन होता था 150 लोगों के लिए, एक फोन लैंडलाइन 6 फ्लोर पे, और किसी का फोन आता था तो उठाते थे, फिर सामने वाला बोलता था ये प्रभु जी से बात करना है, तो फोन रखकर उसके रूम में जाते थे कि इसे बात करना है, 6 फ्लोर, 5 फ्लोर, 4 फ्लोर, 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, नहीं तभी 2 फ्लोर ही थे, तो मूड होता था तो नीचे जाके भी बुला के आते थे, मूड नहीं होता तो बोलते नहीं है। तो एक दिन कॉल आया, हमारा एक बहुत उत्साही ब्रह्मचारी प्रचारक है वो उठाए, तो सामने से बोले प्रभु जी किसी को बुलाओ ना, मुझे हाउस प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम सत्संग करना है, सत्संग प्रोग्राम करना है। तो इसने सोचा किसको क्यों बुलाऊं, मैं ही जाता हूं। और ब्रह्मचारी बहुत उत्साह में प्रोग्राम करते हैं, प्रचार का मौका मिला तो खुश हो जाते हैं, अरे मैं आऊंगा, आई विल कम, कब आना है? आज आना है, आज ही करना है, थोड़ा नोटिस देना चाहिए, पहले बताना चाहिए। ठीक है आ जाऊंगा मैं, कितने बजे? रात को 12 बजे। रात को 12 बजे कौन प्रोग्राम करता है, आज तक सुना कभी रात को 12 बजे प्रोग्राम? तो ब्रह्मचारी सोचने लगा कि अरे रात को 12 बजे गेट के बाहर जाएगा मैं, फिर 2 बजे वापस आऊंगा तो सिक्योरिटी पकड़ लेगा, नाम लिख देगा कि ये रात को बाहर जाता है। बोला ठीक है तो भी करते हैं। बोला एड्रेस किधर आना है? बोला विले पार्ले के शमशान घाट में। शमशान घाट में कोई प्रोग्राम करता है? बोला रात को कौन सुनेगा उधर, बोला सब भूत लोग आ रहे हैं। जाएगा कोई आप में से क्लास देने के लिए भूतों को? शिव जी जाते हैं इसके लिए, भूतनाथ। शिव जी ऐसे महान वैष्णव है कि जो सबसे पापी है, जो सबसे पतित है, जिसका कोई लायक ही नहीं है समाज में मनुष्यों के बैठने के, उन भूतों को भी प्रचार करते हैं, भागवत क्लास करते हैं। इसलिए उनका वेशभूषा ऐसा है कि भूत लोग सोचने लगे अपना ही आदमी आ जा। उनको भी प्रचार करते हैं शिव जी, ये उनका कृपा है, ये उनका दया है, शुद्ध वैष्णव है। भले ही वो सैफ्रन ड्रेस नहीं पहनते या तिलक वैसा नहीं लगाते, लेकिन उनको गलत नहीं समझना चाहिए। डोंट जज बाय ड्रेस एंड बाय एड्रेस। सिर्फ ड्रेस और एड्रेस से कौन भक्त है पहचान नहीं सकते। किसी का ड्रेस सैफ्रन है धोती कुर्ता, या किसी का एड्रेस इस्कॉन या वृंदावन या गौड़िया मठ, तो काफी नहीं है। ड्रेस एड्रेस से नहीं, शुद्धता जो होती है हृदय में उसे पहचान होती है। तो शिव जी बहुत महान वैष्णव, बहुत दयालु, बहुत कृपालु, आशुतोष, आशुतोष, आशुतोष मतलब जल्दी संतोष हो जाते हैं और जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। थोड़ा भक्ति किया कि खुश हो जाते हैं, थोड़ा गलती किया कि क्रोधित हो जाते हैं। तो परीक्षित महाराज पूछे कि शिव जी तो पेड़ के नीचे रहते हैं, लेकिन उनके भक्त हमने देखा है बहुत ऐश्वर्य में रहते हैं, और विष्णु तो लक्ष्मी के पति हैं,
क्योंकि उनके भक्त देखा है थोड़ा गरीबी में रहते हैं। परीक्षित महाराज ने ऐसा देखा है, हम तो अभी आजकल को दूसरा देख रहे हैं, जब से प्रभुपाद जी प्रचार किए हैं वैष्णव लोग भी अमीर हो गए हैं। लेकिन तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर में बताया कि शिव जी को प्रार्थना करके जो धन और ऐश्वर्य प्राप्त होता है वो तीन गुणों के अधीन होता है। दिव्य नहीं होता है वो, लक्ष्मी नहीं होता है वो, माया होता है, और वो व्यक्ति को बांधता है, मुक्ति प्राप्त नहीं होती। और जो वैष्णव होते हैं उनको इस संपत्ति में रुचि नहीं होती, माया का संपत्ति में, क्योंकि वो बांधती है। उनको रुचि होती है कृष्ण की सेवा में, तो उनको जो भी प्राप्त होता है वो कृष्ण को देते हैं, उसी को प्रेम कहते हैं, और उससे उनको मुक्ति हो जाती है। जैसे कोई पिता अगर मिठाई का डब्बा लेके आता है घर पे और अपने बच्चे को देता है, बच्चा खुश हो जाता है, वो डब्बा खोलता है, पहला मिठाई लेता है, कहता है पिताजी पहला आप खाओ, पापा खुश हो जाएगा। क्यों खुश होगा? उसको मिठाई मिला इसके लिए? वो तो 10 बॉक्स खरीद सकता है, 10 डब्बे खरीद सकता है, लेकिन वो खुश क्यों होगा? क्योंकि पहला मिला, पहले में प्रेम होता है। तो पापा क्या करेगा, पिताजी दूसरे दिन और एक बॉक्स लेके आएगा, क्योंकि उसको मालूम है वापिस पहला मिलेगा, वापिस प्रेम मिलेगा। उसी तरह हमारे जीवन में जो भी आता है पहला भगवान को अर्पण करना चाहिए। इसलिए ये घर आज पहला दिन रह रहा है ना शायजू, तो पहले भगवान का सत्संग होना चाहिए, आरती होना चाहिए, भक्तों को प्रसाद खिलाएंगे, कीर्तन करेंगे, तो पहले भगवान को अर्पण हो गए। उसी तरह आप जब कमाते हो, हर महीने पगार आता है, तो पहला भगवान को अर्पण करना चाहिए। या कुछ नया सामान या कपड़ा खरीदते हो तो पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। और उसी तरह सुबह जब उठते हो तो पहले कुछ घंटे भगवान कृष्ण को देने चाहिए, उसी को मॉर्निंग प्रोग्राम कहते हैं। मालूम पड़ा नहीं, मॉर्निंग नहीं ओनली इवनिंग चैंटिंग करेंगे, मॉर्निंग किसी और को देंगे, तो ये कैसे हुआ? बॉस कौन है? प्रेम किसके पास, किससे करते हो, उसको पहला देना चाहिए ना। डब्बा पूरा मैं खाऊं या बांट दूं, आखिरी दूंगा पिताजी को, वो प्रेम है क्या? पहला देना वो प्रेम है। तो सुबह फ्रेश जो हमारा मन की स्थिति है, चेतना है, वो भगवान को देना चाहिए। मंगल आरती जप करना चाहिए सुबह, तो नहीं हो रहा है, आधा अधूरा हो गया, तो शाम को पूरा करना चाहिए। तो पहला प्रहर ब्रह्म मुहूर्त सुबह सुबह भगवान श्री कृष्ण को देना चाहिए, फिर बाकी काम करना चाहिए। ये हमें आदत डालना चाहिए, ये एक साधक के लिए बहुत जरूरी है। सीरियसली भक्ति करना चाहिए, अपनी भक्ति के साथ खेलना नहीं है हमें, कि जो मन में आया करो, सुबह नहीं शाम को नहीं रात को नहीं कल, आज का काम कल, कल का काम परसों, अब तो जीना है परसों, ऐसा नहीं। इसको सुस्ती कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, तमोगुण। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित महाराज को कि आपके दादा युधिष्ठिर महाराज उन्होंने नहीं भगवान कृष्ण से यही प्रश्न पूछा। देखिए युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण ने पूरा ऐश्वर्य पूरा पृथ्वी दिया था राज्य करने के लिए, महाभारत का युद्ध किया था। उसके पहले इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था, उसमें बहुत खर्चा होता है, बहुत दान दिया था, बहुत गेस्ट को बुलाया था, बहुत खर्चा किया था,
पूरे दुनिया को दिखाया था उन्होंने कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ और मैं देखो अमीर हूँ, राजा हूँ, बहुत ऐश्वर्य है मेरे पास, अगर आप कृष्ण की भक्ति करोगे तो आपके पास भी प्राप्त होगा। ये गलत धारणा है। जो कृष्ण की भक्ति करता है उनको भगवान जो जरूरत है वो दे देते हैं। भगवान पे निर्भर होना चाहिए। हमको लगता है ये भगवान क्या करेंगे, हम मैनेज करेंगे। भगवान ने इंजीनियरिंग तो किया नहीं, हमने इंजीनियरिंग किया, मुझे ज्यादा मालूम उनसे। MBA भी किया हमने, उन्होंने तो सिर्फ गाय चराया, बस 2 महीने गुरुकुल गए सांदीपनि मुनि के पास, पता नहीं क्या सीखा। डिग्री तो मेरे पास है, आई विल मैनेज। देखो क्या हो रहा है। लेकिन जब हम कृष्णा पे निर्भर होते हैं तो हमारी कल्पना से भी ज्यादा वो हमारी देखभाल करते हैं। जैसे वो शरारती लड़का था, उसकी माँ ने कहा कि कल हम जाएंगे मेरी बहन आपकी मौसी के पास, उधर शरारत नहीं करना, चुप बैठना, तो मेरा नाम खराब होगा। तो गए उधर, दोनों बहनें बात कर रही हैं, लड़का चुपचाप बैठ गया। कुछ समय बाद मौसी ने चॉकलेट लाया, बड़ा डब्बा, लड़के को बोला लो चॉकलेट खाओ। अभी लड़का बहुत शरारती, चॉकलेट बहुत पसंद है उसको, तो उसने कहा नहीं चाहिए। मौसी ने कहा अरे चॉकलेट खाओ, बच्चों को तो चॉकलेट पसंद है। बोला नहीं चाहिए। बोला भूख लगा लेगा, एक दो खाओ। बोला नहीं चाहिए। 10 बार बोला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आखिर जब वो जा रहे थे घर पे, तो मौसी ने सोचा बेचारा पहली बार आया, कुछ खाया नहीं, हाथ से चॉकलेट उठाकर जेब में डाल दिया, बोला जाओ घर पे खाना। तो जब चल रहे थे घर पे, ये बच्चा खुश रास्ते पर एक एक चॉकलेट निकालकर खा रहा है, खाते जा रहा है। तो माँ ने पूछा अरे तुमको चॉकलेट इतना पसंद है, मेरी बहन ने 10 बार बोला खाओ खाओ खाओ, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अभी क्यों खा रहा है फिर? तो लड़के ने कहा माँ मेरा हाथ छोटा है, अगर मैं अपने हाथ से लूंगा तो बहुत कम आएगा, मैंने अपने हाथ से नहीं लिया तो मौसी ने अपने हाथ से मेरे जेब में डाला, देखो कितना आया, है ना बुद्धिमान। उसी तरह ये दुनिया एक चॉकलेट का डब्बा है, किसका डब्बा, किसका है? अच्छा चॉकलेट का डब्बा किसका है? कृष्ण का। अगर हम अपना हाथ डाल के लेंगे तो बहुत कम आएगा, लेकिन अगर हम हाथ जोड़ के कृष्ण को दंडवत प्रणाम करेंगे तो वो अपना हाथ डालकर हमको देंगे हमारे जेब में, तो हमको ज्यादा आएगा। ये होता है। युधिष्ठिर महाराज के साथ ऐसा ही हुआ, उन्होंने कृष्ण की भक्ति किया, भगवान ने पूरा पृथ्वी दे दिया उनको। श्री प्रभुपाद जी 40 रुपया लेकर USA गए और 12 साल में 108 मंदिर, हर मंदिर में उनके लिए प्रभुपाद क्वार्टर्स। देखिए कितना दिया कृष्ण ने, और आज इतने सारे मंदिर हो गए, 800 सेंटर हो गए हैं, इतने भक्त हो गए हैं। तो कृष्ण पे निर्भर रहना चाहिए, अपना कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन फल कृष्ण देंगे ये मालूम होना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने राजस्व यज्ञ किया और यज्ञ में अग्र पूजा होता है, फर्स्ट वर्षिप। तो पहला पूजा के लिए उन्होंने सभा में बात किया कि पहला पूजा किसका करें, व्यासदेव है, भीष्म पितामह है, धृतराष्ट्र है, गुरु द्रोणाचार्य है, ब्रह्मा है, शिव है, इंद्र चंद्र, इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं उधर, पहला पूजा किसका करें? तो सहदेव ने कहा कृष्ण का करो, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है,
या साधारण व्यक्ति नहीं है, वो सर्व कारण कारणम कॉज ऑफ ऑल कॉजेस कृष्णस्तु भगवान स्वयं स्वयं श्री भगवान है। उनका अग्र पूजा किया व्यासदेव भीष्म पितामह और इंद्र चंद्र ब्रह्मा शिव कुछ नहीं बोले, सब लोग झुक गए क्योंकि मालूम है कृष्ण भगवान है। तो उसी सभा में जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो युधिष्ठिर भगवान ने युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण से यही प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों मिसकंसेप्शन होता है कि आपके भक्त गरीब है शिव जी के भक्त अमीर है, ऐसा क्यों होता है? तो भगवान कृष्ण को यही जवाब दिया कि जिनको तीन गुणों के अधीन माया का धन प्राप्त होता है वो अमीर नहीं होते, वो भक्ति से गरीब होते हैं क्योंकि वो बंध जाते हैं, अगला जीवन उनका पता नहीं नरक में रहता है। लेकिन मेरा भक्त सादा जीवन जीते हैं, उनके जरूरत का सब कुछ मैं ख्याल रखता हूँ। और जो रावण बाणासुर है, हालांकि उनको बहुत ऐश्वर्य प्राप्त हुआ लेकिन आखिर में क्या हुआ, असुर लोग मारे गए। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी ने एक कहानी सुनाया, विकासुर का कहानी। विकासुर विका असुर है बड़ा, विकासुर वो गए नारद मुनि के पास और नारद मुनि को कहा कि मुझे एक प्रश्न पूछना है। देखिए नारद मुनि ऐसे साधु ब्रह्मचारी हैं, शुद्ध व्यक्ति हैं कि देवता और असुर दोनों उनका बात मानते, दोनों उनका आदर करते हैं। हालांकि देवता असुर दोनों हमेशा लड़ाई करते हैं लेकिन दोनों नारद मुनि को इनवाइट करते हैं अपने अपने महल में कि आओ आओ थोड़ा चर्चा करेंगे। ऐसा भक्त होना चाहिए, न्यूट्रल न्यूट्रल पार्टी। तो विकासुर ने नारद मुनि को पूछा कि मुझे बताओ आप किसका भक्ति करूं मैं, किसकी पूजा करूं मैं कि मुझे जल्दी से कुछ प्राप्त हो जाए शक्ति, मैं ज्यादा लंबा नहीं कर सकता फास्ट फूड। आजकल सब कुछ फास्ट चाहिए, आजकल खाना ऑर्डर किया तो 5 मिनट में खाना है, कार ऑर्डर किया तो 5 मिनट में पिकअप होना चाहिए, राइट। आजकल सब कुछ, किसी को व्हाट्सएप किया तो 2 मिनट 1 मिनट भी जवाब नहीं आया तो फोन करते हैं, अरे मैं व्हाट्सएप किया देखा क्या, अरे देखने तो दो। आजकल सब कुछ फास्ट फूड हो गया है, फास्ट फास्ट। तो उनको भी बहुत घाई थी कि मुझे कुछ फास्ट शक्ति चाहिए। तो नारद में देखा ये तो मंगल आरती वगैरह कर नहीं पाएगा, जब तो कर नहीं पाएगा, बोला शिव जी का प्रार्थना करो फास्ट है, शिव जी तुरंत खुश हो जाते, जो चाहिए दे देंगे। तो गया केदारनाथ, वहां पर शिव जी का लिंग बनाया और यज्ञ चालू किया और यज्ञ में आहुति देता था, ओम नमः शिवाय, क्या पत्ता फूल घी फल नहीं, अपना शरीर का मांस काटता था, एक उंगली काटता था, दूसरा ओम नमो शिवाय दूसरा उंगली, मांस अर्पण कर रहा था शिव जी को यज्ञ के रूप में, अग्नि के रूप में। और ऐसे उसने अपना एक हाथ का सब उंगली काट दिया, हाथ काट दिया, पैर दोनों काट दिए, ऐसा किया उसने। 7वें दिन तक शिव जी आए नहीं तो आखिर में अपना गला काटने के लिए अग्नि में डालने के लिए तैयार हो गया। तो शिव जी पकड़ कर पकड़ लिया उसका हाथ, इससे शिव जी खुश हुए, इसलिए नहीं आए, कोई भी आत्महत्या करेगा तो आप जाओगे ना कि अरे भाई बंद करो, वो भी मेरे नाम का आत्महत्या कर रहा है। तो शिव जी हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ा तो शिव जी का दिव्य है, पूरा शरीर उसका वापस ठीक हो गया, जख्म ठीक हो गया। शिव जी बोला अरे आत्महत्या क्यों कर रहे हो, अपना गला क्यों काट रहे हो, मुझे तो गंगा के पानी से भी खुश कर सकते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं, क्या चाहिए आपको।
तो वृकासुर ने कहा कि मुझे ऐसा शक्ति दो कि मैं किसी के सर पे हाथ रखूं तो उसका सर फट जाए और वो मर जाए। देखिए असुर लोग ऐसे होते हैं, ऐसा वरदान मांगते हैं जिसका किसी को फायदा नहीं दुनिया में, राइट? सर पे हाथ रखूं वो मर जाए, ये क्या वरदान है? वरदान मांगो कि लोगों का कोविड ठीक हो जाए, मंदिर खुल जाए, ऐसा कुछ वरदान मांगो ना। सब लोग जप करे, पूरा महाराष्ट्र एकादशी रखे, ऐसा कुछ वरदान मांगना चाहिए क्या? सर पे हाथ रखू फट जाए सर। दूसरों को तकलीफ देने के लिए, परेशान करने के लिए, पाप पाप करने के लिए क्या? तो शिव जी ने सोचा ये कैसा वर मांग लिया इसने। लेकिन शिव जी जल्दी खुश हो जाते, बोला ठीक है ओके तथास्तु, दे दिया उसको। शिव जी उधर पार्वती माता के साथ आए थे, तो वृकासुर ने देखा इतनी सुंदर पार्वती मुझे चाहिए, और शिव जी के सर पे हाथ रख रहे हैं कि शिव जी मर जाएंगे तो मुझे पार्वती मिल जाएगी। इसको भक्ति कहते हैं, इसको भक्ति नहीं कहते। जिसको आप, जिसका नाम उच्चारण कर रहे हो, जिसकी पूजा कर रहे हो, उसी को मार रहे हो, इसको भक्ति कहते हैं क्या? इसको भक्ति नहीं कहते। अच्छा, हमारा इस्कॉन जू मंदिर लॉकडाउन में अभी विजिटर्स अलाउड नहीं है, पूरा मंदिर खाली रहता है, गेस्ट हाउस भी खाली रहता है। तो कल मीटिंग में कुछ बात हुआ, मैं बताना चाहता हूँ कि हम भक्तों का बुकिंग ले रहे हैं, बुकिंग गेस्ट हाउस में रहने के लिए फ्री में, कि कुछ लोग आएंगे परिवार के साथ, प्रसाद भी फ्री, नाचो गाओ मंगल आरती वगैरह फ्री में, तो बाद में उनको नाम दे सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आखिरी दिन पे बड़ा फेयरवेल होगा सब भक्तों का, जू बीच में पानी में डुबा के बोलेंगे पुर्चा वर्षी लोग कर यार, तो आप लोग नाम दे देना। इसको भक्ति कहते हैं? अरे लौकर या तो फिर भेजता क्यों है, रखो ना साल भर, नहीं साल भर भक्ति नहीं करें, अगले साल जल्दी आना, अगले साल भक्ति करेंगे, अगले साल आना, अभी नहीं करेंगे। तो वो शिव जी के ऊपर हाथ रखता है कि इसको इसको भक्ति नहीं कहते। तो शिव जी घबरा गए, और मेरे ही वरदान मेरे ऊपर कर रहा है, मैं कैसे काटू अपना ही वरदान? वो भी पहली बात इनॉग्रेशन, भाग गए उधर से। वृकासुर उनके पीछे भागा, जंगल में भागे, नदी में भागे, आसमान में भागे, ऋषि मुनियों के पास भागे, गुफा में भागे, अलग अलग लोकों में भागे, लेकिन वृकासुर छोड़ा नहीं, भागते गया भागते गया भागते गया। ब्रह्मा जी मदद नहीं कर पाए, इंद्र चंद्र वरुण कोई मदद नहीं कर पाए, कि शिव जी के वरदान के खिलाफ ब्रह्मा जी भी जा नहीं सकते। तो भागते भागते पहुंचे विष्णु के पास श्वेत द्वीप। भगवान विष्णु समझ गए शिव जी खतरे में हैं, शिव जी उनके मान भक्त हैं। तो जंगल के रास्ते से आ रहे थे, भगवान विष्णु ब्रह्मचारी रूप में आ गए, सैफ्रन ड्रेस, शेव, शिखा, ब्रह्मचारी के रूप में एकदम आकर्षक। तो उधर आ गए, तो वृकासुर भी भाग रहा था, तो वृकासुर को रोके बोला, हे शकुनी पुत्र, मुझे मालूम है आपका पिता, आप शकुनी के पुत्र हैं। तो वृकासुर रुक गया, मेरे पिताजी का नाम मालूम है उसको, कोई तो पहचान का होगा मेरे खानदान का। बोला हे शकुनी पुत्र वृकासुर, आप ये जंगल में क्या कर रहे हो, और इतना पसीना पसीना हो गए, इतना हाफ रहे हो, ये मनुष्य शरीर इंद्र तृप्ति के लिए बहुत जरूरी है, उसको इतना कष्ट क्यों दे रहे हो, बैठो थोड़ी देर। इतना मीठा बोला, रहे ये तो कोई शुभचिंतक लगता है, मेरे इंद्र तृप्ति की बात करता है, मेरे पिता की बात करता है, मेरे शरीर की बात करता है, उसका थोड़ा विश्वास आ गया, बैठ गए हो। तो बोला कि आप इधर क्या कर रहे हो ये समय में, आप अगर बताओ तो हम कुछ मदद करें आपकी। तो वृकासुर को अभी विश्वास हो गया, बोला देखो पूरा स्टोरी सुनाया, मैं शिव जी को ढूंढ रहा हूँ, उन्होंने मुझे वरदान दिया किसी के सर पे हाथ रखेंगे, हाथ सर फट जाएगा,
ब्रह्मा जी शिव जी कौन हो? कैलाश वाला शिव? बोला हाँ भाई। बोला अरे आपको मालूम नहीं आजकल उनका शेयर मार्केट डाउन है, आजकल उनके सब चेक बाउंस हो रहे हैं, आजकल उनका वरदान काम नहीं करता है। जब से सती माता ने आत्महत्या किया, जब से दक्ष प्रजापति का हत्या हुआ, तब से शिवजी थोड़ा पागल, तब से वो किसी को कुछ भी वरदान देते हैं जो बिल्कुल काम नहीं करता, झूठा वरदान देकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं शिव जी। आप ऐसा करो, अपने सर पे हाथ रख के देखो, कुछ नहीं होगा, फिर आप उसको सजा देना कि झूठा वरदान क्यों दिया। विकास ने बोला हाँ ये बात बराबर है, और उसने अपने सर पे हाथ रखा करके उसका सर फट गया, वो उधर ही मर गया। कैसे मारा भगवान ने उसको? मीठे बातों से। उसको ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा सर फट सकता है। ये मूर्ख होते हैं असुर। तो फिर शिव जी का बच गए शिव जी। तो भगवान विष्णु ने कहा शिव जी को, जब नरसिंह देव आए थे तब ब्रह्मा जी को भी कहा था कि अरे सोच समझ कर आप आशीर्वाद देते जाओ, आप लोग वरदान देते जाते हैं, मुझे नया नया अवतार लेना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, और भगवान को नरसिंह देव का रूप लेना पड़ा। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया कि जो भक्ति होती है वो कुछ पाने के लिए नहीं होती, वो देने के लिए होती है। उसी को प्रेम कहते हैं कि कृष्ण को हम दे। कृष्ण अपने भक्तों को अपने आप देते हैं, लेकिन उसके लिए नहीं होती है भक्ति। हालांकि अगर कोई इच्छा हो और भगवान के पास गए कृष्ण की भक्ति के लिए, वो गलत नहीं है, लेकिन वो महान नहीं है। महान है जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति, अन्य अभिलाषिता शून्य, कृष्ण की सेवा करते हैं, तो उसको शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति कहते हैं। कि पूर्ण शरणागत, सब कुछ भगवान के सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो सही जो प्रभु ने घर लिया है, इसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। बार बार भक्तों को बुलाना चाहिए, कार्यक्रम करना चाहिए, प्रसाद बांटना चाहिए, रोज आरती करना चाहिए। और इधर हम रहकर अपना शरीर का देखभाल इसलिए करते हैं कि ये शरीर से जो शक्ति है वो भगवान की सेवा में शरीर इस्तेमाल हो, तो ऐसा हमें करना चाहिए। पाप नहीं करना चाहिए, चार नियम पालन करना चाहिए, तो इससे हमारा कमाई, हमारा घर, हमारा किचन शुद्ध हो जाता है। नहीं तो एक बिना भोग लगा के चावल का दाना भी खाते हैं तो वो पाप होता है, और ऐसे जब पाप जमा होता है तो हमें दुख प्राप्त होता है, सजा प्राप्त होती है, नरक लोक में सीट रिजर्व्ड हो जाता है, बुकिंग हो जाता है। इसलिए हमें सब कुछ भगवान कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी भगवान देते हैं वो वस्तु उनके आशीर्वाद के साथ प्राप्त होती है, वो लक्ष्मी देवी होती है, माया देवी नहीं होती। जैसे धन है हमारे जेब में, वो अगर हम खुद के लिए इस्तेमाल करें तो माया है, कृष्ण के लिए इस्तेमाल करें तो लक्ष्मी है। और रावण ने सीता देवी को उठा के लेके गए, सीता देवी उसके लिए माया बन गई और वो खत्म हो गए। वही लक्ष्मण सीता राम का सेवा किए, जितना नाम हुआ हनुमान सीता राम का सेवा किया, कितना नाम हुआ। तो हमें कृष्णा, सब कुछ कृष्ण का है, वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ कृष्ण का है, तो सब कुछ कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे जीवन जीना चाहिए। और रोज जप करते हुए, श्रवणम हियरिंग करते हुए, भागवत पढ़ते हुए हमारा हृदय शुद्ध करके हमें इसी जन्म वापस भगवान के धाम जाना है, और एक जन्म नहीं लेना, फिर अगला जन्म, फिर 9 महीने माँ के पेट में लटको, फिर ABCD पढ़ो, फिर हम्टी डम्टी सेट ऑन अवॉल करो, फिर नौकरी करो, फिर परिवार, फिर घर, फिर ऐसा मेहनत,
इसी जन्म आखिरी जन्म वापिस भगवान के धाम जाना है, इसलिए शुद्ध भक्ति करना है, शुद्ध भक्तों के संग में रहकर वापिस भगवान के धाम, ये हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको बता के गए हरे नाम करना, श्री प्रभुपाद जी कह के गए कि कम से कम 16 माला रोज हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए, तो सीरियसली सब भक्तों को करना चाहिए। कोई नया नया शुरू करते हैं तो एक दो माला से शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम हमेशा भगवान के संपर्क में रहें। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? फिर हम जो कर रहे कृष्ण का नीचे तो क्या वेस्टर्न महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में गणपति का लोग कैसा लोग कैसा डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं? इसलिए तो प्रचार करना है, इसलिए तो कृष्ण की भक्ति का प्रचार करना है। बोलते हैं फिर ये क्या आपको, यानी मैं स्पेशली जब सोसाइटी में रहता है गणपति का इतना नहीं जाता, दूर से इतना करता है, बोलते यार आप सिर्फ कृष्ण को ही मानते हैं गणपति को नहीं। तो गणपति भी तो कृष्ण को ही मानता है, तो हम गणपति को फॉलो कर रहे हैं। कौन से शास्त्र में लिखा है बिल्डिंग के नीचे पंडाल लगाकर गणपति जी को बुलाओ, बॉलीवुड के सॉन्ग करो और 11 दिन बाद डुबा दो, ये क्या भक्ति हुआ क्या? उसको बोलो आप मेरे घर पे आओ, 11 दिन खिला के डुबा देगा आपको, मैं चलेगा नहीं, उसको भक्ति नहीं कहते। तो भगवान की सेवा करना, हम भगवान के अंश हैं, गणपति के अंश नहीं है, राइट? अभी आपके बच्चे हैं उनको आप सिखाओगे ना कि पड़ोसी को अंकल बोलना, उनका पैर छूना, उनको आदर करना, उनको मदद करना सिखाओगे क्या? नहीं। लेकिन अगर उनको डैडी बोल दिया तो आपको अच्छा लगेगा? मतलब 24 घंटा पड़ोसी का पैर धो के भी कोई बात नहीं, लेकिन उसको डैडी नहीं बोल, डैडी एक ही। उसी तरह हमारा डैडी कौन? कृष्णा। फिर आप गणपति को डैडी बना दिया, कृष्णा को कैसे अच्छा लगेगा? डैडी एक ही है, दो दो डैडी कैसे आ गए? पापा एक ही है, राइट? तो गणेश जी कभी बोले ही नहीं कि हमारे पापा है, कृष्णा बोला मैं आपके पापा है, तो किसी और को पापा बनाएंगे तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। ओनली वन फादर कृष्णा, राइट? तो गणपति मान वैष्णव है नरसिंह देव के, उनको हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमारे भक्ति में आशीर्वाद दीजिए, लेकिन उनको ही भगवान बना दिया तो। और आपको लेटेस्ट मैसेज मिला कि नहीं, पार्वती माता ने गणपति जी को बोला कि नहीं जाना महाराष्ट्र में, बहुत करोना है। ये टाइम पता नहीं आएंगे क्या? कहाँ रहते हैं आप? हाँ कामोटे के मना किया हमको। एक डाउट था प्रभु जी में। हाँ जी बोलिए। मेरा नाम शिबू है जैसे कि। हाँ जी। तो प्रभु जी अगर हम हमारे हिस्ट्री में देखें, मतलब स्क्रिप्चर्स में, जो रावण मतलब जितने भी पहले दुर्घटनाएं होती है, लाइक ऑल द इविल पावर्स टेक गून्स फ्रॉम द गॉड्स एंड देन लॉर्ड विष्णु टेक्स देयर ओन अवतार एंड कम एंड डू द रिकंस्ट्रक्शन। तो जब लॉर्ड शिवा या लॉर्ड ब्रह्मा जहाँ से भी गून्स आते हैं इविल पावर्स, तो लॉर्ड शिवा को पता है इसका इंटेंशन क्या है, व्हाई इज प्लेइंग मी, व्हाई वांट की भाई सर पे हाथ रखो एंड ब्लास्ट हो जाए, या व्हाई कंस ने एवरीबॉडी, लाइक तो मतलब देयर लॉर्ड शिवा एंड ब्रह्मा आर द फर्स्ट वैष्णवास, सो देयर फर्स्ट ड्यूटी इज टू एंश्योर दैट इफ दे आई शुड नॉट गिव दिस पीपल गून्स बिकॉज़ दे आर गोइंग टू डू द डिस्ट्रक्शन। सो ये देखो बात ऐसा है ना कि समझो आप आरटीओ के ऑफिसर हैं और कोई व्यक्ति आया 18 साल के ऊपर भारतीय नागरिक कार चलाना जानता हो, आप देंगे कि नहीं लाइसेंस? भले आपको मालूम है एक्सीडेंट करने वाला फिर भी देना पड़ेगा क्योंकि नियम है 18 साल के ऊपर है कार चलाना आता है भारतीय से कह रहे हो, राइट? तो वैसे ही इस ब्रह्मांड का नियम है कि कोई अगर प्रार्थना करेंगे तो फल देना होगा,
ओके नेचर ऑफ लॉ। हाँ तो शिव जी ब्रह्मा जो नियम पालन करते हैं, इसने लाइसेंस भी अप्लाई किया और ये क्वालिफाइड है तो दे देते हैं, राइट। उनको मालूम है गड़बड़ किया तो हम ठीक कर देंगे, हमारा बाप बैठा है, राइट। ठीक है तो नियम पालन करते हैं भगवान, इस नियम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाए भाई, कोई भी हो नहीं देंगे तो फिर लोग पागल हो जाएंगे। इच्छा पूरी नहीं होगी तो लोग पागल हो जाएंगे, काम पूरा नहीं होता है तो क्रोध आ जाता है, तोड़फोड़ चालू हो जाता है। अभी लॉकडाउन है और ज्यादा दिन से ज्यादा तोड़फोड़ नहीं होगा, राइट। इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा डील देती है, तो भगवान को संभालना, ठीक है। हाँ जी जी का हिसाब से तो जन्म ले लेते हैं, हमारा उनको बनाए भी भगवान, तो भगवान बना के फिर हम लोगों से भक्ति करवा के उनके पास वापस जाने का ये रास्ता ना बना है, लेकिन हम लोग फिर उनसे जन्म क्यों है, हम लोग जीत क्यों है, उसका कारण क्या। तो ये गलत धारणा है कि भगवान ने हमको बनाया, ये सही नहीं है। भगवान ने कभी आत्मा नहीं बनाया, हम लोग का क्रिएशन नहीं है, आत्मा एटर्नल है, सनातन अनंत। जब से भगवान है तब से आत्मा है, ऐसा कोई भी समय नहीं है कि भगवान है और आत्मा नहीं है और फिर बाद में भगवान ने आत्मा बनाया, ऐसा कोई भी समय नहीं है। हम भगवान के अंश हैं और हमारा चेतना ऐसा है कि हमें भगवान के साथ सहयोग करना चाहिए, सत चित आनंद, तो हम आनंद में रहते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं हैं जो भगवान के साथ सहयोग नहीं करते, उनको ये जेल में भेजते हैं दुनिया में। तो जेल से निकलने का मार्ग भी भगवान ने बनाया कि अगर आप भक्ति करोगे तो आप वापस मेरे पास आ सकते हैं, समझ रहे हैं। तो भगवान ने हमको नहीं बनाया, हम हमेशा भगवान के साथ रहे और हमारे आनंद के लिए भगवान ने हमें भक्ति करने का मौका दिया कि भक्ति करेंगे तो जेल से बाहर निकल कर, दुखालय अनाशाश्वत से बाहर निकल कर वापस भगवान के साथ आनंद में रहेंगे, समझ रहे हैं। हाँ तो वी आर नॉट क्रिएटेड, भगवान ने हमको नहीं बनाया, हम हमेशा भगवान के साथ हैं, हम उनके अंश हैं, ठीक है। और कोई प्रश्न? बट अंश तो अलग नहीं होना चाहिए, अंश लाइक सम बॉडी पार्ट इज देयर, इट शुड नॉट बी मतलब रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। हाँ तो हम अलग नहीं है, सब कृष्ण की बॉडी ही है, हम उनके अलग, भगवान से अलग क्या है। भगवान हमारे बॉडी के आउट है, आउट भगवान का आउट क्या है, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज कृष्ण वासुदेव सर्वमिति, राइट, देयर इज नथिंग आउट। कृष्णा किसी को बोल नहीं सकते गेट आउट, क्योंकि आउट है ही नहीं, आउट नहीं है, कहीं भी जाओ आप कृष्णा के साथ ही हो। तो ये हमारा चेतना दूषित हो गया है, हम भगवान से बाहर नहीं है, हमको लग रहा है हम अलग है। जैसे रूम में लाइट है, अंधेरा है, नहीं है, आग बंद करो तो अंधेरा आ जाएगा, कहाँ से आया रूम में, तो था ही नहीं, अभी कहाँ से आया, अंधेरा है ही नहीं, हम आंख बंद किया तो अंधेरे में आ गए, असली में अंधेरा नहीं है, लाइट में। उसी तरह असली में हम कृष्ण के साथ अभी भी हैं, लेकिन हमारा आंख बंद, आंख खोलेंगे तो कृष्ण, तो हमारा चेतना दूषित है, इसको खोलना है, इसी के लिए जप करना है। अगर कमरे में कोई आंख बंद करके बोलता है शायद तो लाइट चालू करो, क्या करेगा, ऑन करेगा, अरे आंख खोल, लाइट तो चालू है ना। उसी तरह भगवान तो ऑलरेडी हैं, हम उनके साथ हैं, आउट नहीं है, अलग नहीं है, हमारा आंख बंद है इसलिए हमको अंधेरा दिखाई दे रहा है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोज होगा माला करो, कभी तो आंख खुलेगा, अरे ये तो कृष्णा के साथ है। तो ये हमारे अंदरूनी गड़बड़ है, बाहर सब ठीक है, लाइट चालू है, आँख खुलना है, चेतो दर्पण मार जन्म, साफ सफाई करना है।
So we are always with Krishna, connected to Krishna, part of Krishna. Okay? Okay? ठीक है यस सर मम्मी को भी लेकर